कुरुक्षेत्र जिला योजनाकार पंकज सेतिया ने कहा कि सरकार के आदेशों की अनुपालना से आम जन की शिकायतों का मौके पर ही समाधान के मकसद को लेकर मंगलवार से जिले की नगर परिषद और सभी नगर पालिका कार्यालय तथा बीडीपीओ कार्यालय में समाधान शिविर आयोजित किए गए। जिला नगर योजनाकार पंकज सेतिया आज नगर परिषद कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी और स्वामित्व योजना के संबंधित आम जन की समस्याओं का समाधान करने उपरांत बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज जिले की नगर परिषद, नगर पालिका और बीडीपीओ कार्यालय में समाधान शिविर आयोजित किए गए। इन समाधान शिविरों में आई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। समाधान शिविरों में पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने उनके क्षेत्र में प्रॉपर्टी आईडी और स्वामित्व योजना से संबंधित समस्याओं का समाधान करने हेतु ये शिविर लगाए हैं। जिला नगर योजनाकार पंकज सेतिया ने बताया कि यहां समाधान शिविर नगर परिषद, नगर पालिका और बीडीपीओ कार्यालय में प्रांत 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। शिविर में प्रतिदिन सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे। जनता की शिकायतों को समझकर उन्हें बिना किसी परेशानी के मौके पर ही निपटाया जाएगा। यदि किसी शिकायत का मौके पर समाधान करना संभव नहीं हो पाया तो उसके लिए तय समय सीमा प्रार्थी को बताई जाएगी और बताई गई तय सीमा को विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जिला स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में भी प्रॉपर्टी आईडी, स्वामित्व योजना सहित अन्य समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अब ये समाधान शिविर संबंधित नगर परिषद, नगर पालिका तथा बीडीपीओ कार्यालय में आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित अपनी प्रॉपर्टी में अगर किसी भी व्यक्ति का नाम, पता, परिवार के सदस्य का नाम, भूमि का क्षेत्रफल, भूमि की फोटो आदि कोई भी समस्या है तो वह व्यक्ति इस शिविर में आकर अपनी समस्या को दूर करवा सकता है। इन शिविरों में नगर परिषद कार्यालय में डीएमसी, नगर पालिका कार्यालय में सचिव तथा बीडीपीओ कार्यालय में संबंधित बीडीपीओ समस्या को सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह यादव, एक्शन सुरेंद्र सिंह, एओ मनोज चहल, एमई संदीप, जयपाल शर्मा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कितनों का समाधान हो गया? देखिए, आज दिनांक 23/10 को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार थानेसर नगर परिषद तथा हमारे जिले में जो 4 नगर पालिकाओं हैं सब में समाधान शिविर लगाए गए। थानेसर जो नगर परिषद में मैं स्वयं बैठा हुआ हूँ, आज सुबह से हमारे पास तीन समाधान की शिकायतें आई थी या दरखास्तें हम कह सकते आई थी। उसमें से एक एनडीसी के बारे में था, उसको एनडीसी दिलवा दिया गया है। बाकी दो जो आवेदन आए थे वो उनके ऑब्जेक्शंस के बारे में थे, संपत्ति कर के बारे में, उनके ऑब्जेक्शंस लगवा कर उनको निपटान कर दिया गया। सेतिया जी, शिकायतें किस किस प्रकार की शिकायतों का समाधान किया जा सकता था कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन शिविरों में भाग लें? देखिए, हमने जैसे हर बार यही कहते हैं, हर हमारे जितने भी जिले के निवासी हैं जिनकी भी संपत्ति शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत आती है, उनको हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करके अपने संपत्ति को सेल्फ सर्टिफाई करें, जिससे कि हम उनकी समस्याओं का निदान कर सके। ज्यादातर जो हमारे पास समस्याएं इसी तरह से आती है, किसी को एनडीसी चाहिए होता है या किसी का नाम में करेक्शन होती है या किसी के मोबाइल में करेक्शन होती है, तो जितनी जल्दी आप अपनी संपत्ति को वेरीफाई करेंगे या उसमें अपना मोबाइल नंबर भी डाल देंगे, उससे हमें उनसे कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है।